खरगोन शहर में सुने मकानों में चोरी की वारदातें थमते नजर नहीं आ रही है। बीती रात जैतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र की बरसाना कॉलोनी के दो सुने मकानों को चोरों ने निशाना बनाकर आभूषणों सहित बच्चों की गुल्लक पर हाथ साफ किया। चोरों की तोड़फोड़ की आवाज सुन पड़ोसियों के जागने पर चोर पत्थर बरसाते हुए भाग निकले। बरसाना कॉलोनी निवासी भगवान मंडलोई और दिगंबर राणे ने बताया, रात करीब 3 बजे न्याय विभाग में पदस्थ सदाशिव कुशवा के घर कांच फूटने की आवाज आई। जब उनके घर की ओर बढ़े तो दो लोग घर से निकले और पत्थर फेंकते हुए दीवार फांदकर खेतों के रास्ते भाग निकले। इसकी सूचना पुलिस को दी। घर से पायल, सोने की अंगूठी, गुल्लक चोरी की बात कही है। इसी क्षेत्र में शुभम पटेल के घर भी ताला तोड़कर चोर घुसे। हालांकि उनके घर से कुछ चोरी नहीं जाने की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, हम करीबन 3 बजे के लगभग आवाज आ रही थी हमारे घरों में। हम सोए थे सामने, तो जैसे आवाज आई तो हमने सोचा कि हमारे घर पे कुछ हो रहा होगा खटपट, तो अंदर घूम के देखा तो फिर भी नहीं, फिर आवाज बंद नहीं हुई। तो पड़ोस में राणे जी खड़े हुए, फिर उन्होंने नजर डाली इधर की गेट खुला हुआ दिखा, तो चिल्लाया कि चोर चोर। तो मैं भी बाहर आया, मैं भी चिल्लाने लग गया, और जैसे चिल्लाना चालू किया और मोबाइल लगाया थाने में आरएस साहब को, तो एक चोर कूद के भागा, फिर इन्होंने देखा दूसरा भी कूद के भाग गया यही पास दीवार से, और फिर आरएस साहब को लगाने से क्या हुआ, वैन भी गश्त वाले तत्काल आ गई। मकान मालिक थे क्या? मकान मालिक जो सदाशिव कुशवा जी है, वो कल दोपहर में इंदौर उनके बहु बेटे के वहां चले गए, और आज ही मतलब कल ही गए और नाइट को ऐसा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।